वेल कुछ दिन पहले जब शमिता शेट्टी की बर्थडे पार्टी थी तब कहा जा रहा था कि बिग बॉस सीजन 15 के ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया, लेकिन शमिता वर्सेस तेजस्वी की जो लड़ाई थी उस वजह से तेजस्वी को इनविटेशन नहीं दिया गया एंड करण कुंद्रा जो कि स्टैंड नहीं ले पाए शमिता के लिए, शमिता उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी जो आंटी वाला वाक्य हुआ था फिनाले वीक में, इसलिए तेजस्वी के साथ साथ करण पे शमिता गुस्सा होने की वजह से इन दोनों को बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं किया गया। लेकिन इसके ऊपर जो है शमिता शेट्टी के काफ़ी क्लोज फ्रेंड रह चुके निशांत भट्ट ने एक बहुत बड़ी बात रिवील कर दी है। आखिर क्या कहा उन्होंने, क्यों मिसिंग थे तेजस्वी एंड करण शमिता की बर्थडे पार्टी से, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट संतोष वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, निशांत भट्ट ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि मैं खुद वो पार्टी में लेट गया था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वहाँ क्या हुआ स्टार्ट में क्या नहीं, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ शमिता ने सारे कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया था, तेजस्वी एंड करण को भी बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन गया था और तेजस्वी जो कि आजकल बिजी है नागिन 6 में इस वजह से वो नहीं आ पाई एंड करण कुंद्रा जो है वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाह रहे थे इसीलिए ही ऑल्सो कुडंट मेक इट टू द बर्थडे पार्टी। ऐसा नहीं है कि बर्थडे पार्टी में शमिता ने तेजस्वी एंड करण के अलावा सभी को बुलाया और सभी लोग आ गए, सबको इनविटेशन था इंक्लूडिंग तेजस्वी एंड करण। इनफैक्ट और भी कुछ लोग थे जो नहीं आ पाए अपने कोई रीजंस की वजह से, जैसे जो पार्टी थी वो टाउन में थी तो शायद लोगों को दूर लग रहा था आने के लिए, इसलिए और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, इस बर्थडे पार्टी को मिस किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शमिता ने उन्हें इन्वाइट नहीं किया था, उन्हें इन्वाइट किया गया था लेकिन उन दोनों के बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों नहीं आ पाए। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है निशांत भट्ट ने दे दिया है, अब पता नहीं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ, बिकॉज शायद वो अपने दोस्त को यू नो वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ अवर फ्रेंड और हमेशा उनके सपोर्ट में जाके बोलते हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि शमिता को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के चक्कर में निशांत ने ये बात कही होगी। क्या आपको ऐसा लगता है या फिर आपको ये लगता है कि निशांत बिल्कुल सच कह रहा है, निशांत जिस तरह कह रहा है उस तरह से शमिता ने सभी को इनवाइट किया था, तेजा करण को भी इनविटेशन दिया गया था बट बिकॉज नागिन 6 में तेजा बिजी थी एंड फैमिली के साथ टाइम करण स्पेंड करना चाहते थे इसलिए ये दोनों बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए। क्या है आपका कहना इसके ऊपर नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। आई सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।